हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं? डेफिनेटली सुनामी के बाद भी अच्छे ही होंगे बिकॉज यू आर द सब्सक्राइबर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो लास्ट में हमने यस बैंक और बंधन बैंक बताया था, लेकिन बंधन बैंक ने भी वो लेवल क्रॉस नहीं किया है और यस बैंक ने भी नहीं किया और उसकी हालत आज बिगड़ चुकी है, राइट। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट देता है तो उसके हाई क्रॉस होने की वेट करनी पड़ती है। तो 37.85 का लेवल था, राइट। बट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं नीचे प्राइस में ले लूँ, राइट, लोअर प्राइस में, ओके। तो जब लोग खरीदेंगे तब मैं बेच दूंगा। तो इसीलिए हर एनालिस्ट आपको जब भी ट्रेड देता है तो क्या कहता है, बाय अबो और सेल बिलो, राइट। तो लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, राइट फ्रेंड्स। तो इतना याद रखिएगा, ओके। तो ये जनरेट हुआ नहीं है, ओके, और होता तो भी स्टॉप लॉस तो था ही अपने पास, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, राइट। बाकी जो भी ट्रेड है अच्छे चल ही रहे हैं, आप देख लीजिएगा। मंथली का हमने एक बहुत बढ़िया रिव्यू बनाया था, मंथली पार्ट 5 या 6 था दोस्तों, बहुत बढ़िया था, जिसमें सब सेल कॉल ही था, ओके। तो आज हम मैं देखने जाएंगे दोस्तों, बहुत मज़ेदार चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और आखिर में शेयर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो दोस्तों आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। मैं हमेशा ऐसा सुना है, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, यानी पास्ट में जो हुआ है वही रिवर्स होता है। चार्ट में भी यही होता है, मार्केट में भी यही होता है, और लोग मिस्टेक भी सेम करते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो दोस्तों ये चीज़ बार बार क्यों दोहराती है, तो वो ना हो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। तो आज पार्ट वन में मैं आपको निफ्टी का लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं ये मार्केट में 2001 से हूँ, 2020 चल रहा है, तो 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। तो आपके लिए बहुत मज़ेदार कंपेरिजन लेके आया हूँ मैं, वो ट्रेडिंग मेथड नहीं है दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये MACD डाइवर्जेंस है, तो ये रहेगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ पार्ट वन, राइट, लॉन MACD डाइवर्जेंस विद द लाइव एग्जांपल ऑफ निफ्टी। सो फ्रेंड्स 2008 और 2000 ये निकाल दूं ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को कौन से पोर्शन में, ये पोर्शन में कि कौन सा एरिया है, कौन सा 2008 है ये वाला एरिया में, या फिर मैं सिर्फ MACD दिखाऊं तो भी नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स, ओके। सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ दोस्तों। तो सबसे पहले एक पॉइंट बता दूं, जो रिपीट हुआ है वो यही है दोस्तों। 2008 में भी मैं लोगों को जब ये चीज़, सो पीपल वर लाफिंग एट मी, ओके। मैंने उनको बचाने की बहुत ट्राई की दोस्तों, लेकिन दिक्कत यही आती है दोस्तों, हम अच्छा काम करने जाते हैं बट फिर भी हमारे साथ ठीक है, इट्स ओके चलता रहता है, बट फिर भी हमें काम, अच्छा काम करना छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, राइट। 2008 में यही दिक्कत हुई थी दोस्तों, जब मैं कह रहा था कि ये लाइन टूटने के बाद आप देख लो, और ये यहाँ था 2 कैंडल का, ये लो के नीचे मैं बोल रहा था, राइट। एज वेल एज दोस्तों एडवांस में भी कह रहा था कि लोअर टॉप बन रहे MACD में, उसके बाद ये राइज भी आया था, राइट। तो ये राइज में मैं सभी लोगों को यही एक एडवाइस दे रहा था 2008 में कि निकलिए, राइट, बट कोई निकल नहीं रहा था, ओके, क्योंकि ये जब भी बढ़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं मिस हो गया, ओके। तो यही चीज़ बस वीटनेस भी है, आप लोग ही वीटनेस है, इवन यूट्यूब चैनल पे भी आपको बताइए, 2020 में हमने सेकंड फेब के बाद का वीडियो में ही बता दिया था कि लिक्विडिटी इज द किंग, राइट। 2008 का तो कोई प्रूफ नहीं है, बट 2020 का प्रूफ है, और मुझे भरोसा है कि आप मुझ पे डाउट नहीं करोगे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे इनसाइड बार थी, ये लोग के नीचे बता दिया था, यहाँ पे ओपन आई भी सेम था, ओके, और लोअर टॉप लोअर बॉटम, यहाँ पे तो MACD में भी डबल टॉप बन चुका था, ओके। तो ये जो दिन था, ये लो यहाँ पे जब टूटा ये एरिया में, राइट, तो लाइव मार्केट में मैंने देखा था कि डबल टॉप यहाँ पे कंफर्म हुआ था, ओके। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे भी बोल रहा था कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन यहाँ से ये जो री उनका माइंड स्पॉइल कर देती है। लेकिन दोस्तों जब भी MACD की ये हालत हो तो राइज जो है उसको आपको कैसे कंसिडर करना है एज अ एग्जिट पॉइंट, राइट। सो पार्ट मैंने बता दिया पॉइंट नंबर वन के, तब भी लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, इस बार लोगों ने ट्रस्ट किया है, राइट। तो दूसरी बात मैं बता दूं कि ये डाइवर्जेंस था वो कॉमन पॉइंट था, इवन फ्रेंड्स ओके, और ये लेवल देख लो, ओके, क्या सीन है फ्रेंड्स, क्लियर कट डाइवर्जेंस, और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट था दोस्तों, ये जो सिग्नल लाइन थी इट हैड क्रॉस ऑलरेडी 0 लाइन, राइट। तो दोस्तों कोरोना वायरस तो बात की बात है, यहाँ पे दिक्कत यही आती है फ्रेंड्स, ऑलवेज याद रखिएगा, अभी इसका जोन नेगेटिव है, राइट। तो जब भी ये बढ़ता है
पॉजिटिव आ जाता है कि गवर्नमेंट पैकेज देगी, गवर्नमेंट ये करेगी, राइट। गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों, आपको करना है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, सेबी भी अपना काम कर रही है, राइट। बट हमें अपना काम करना है, हमें चार्ट पे दिख रहा है तो वो हमें फॉलो करना है फ्रेंड, राइट। फिर हम एक बाइस में बैठ जाते हैं कि मुझे बाय ही करना है, तो फिर क्या होगा दोस्तों। इवन ये चीज़ भी हमने एक MACD का वीडियो बनाया था, राइट, हाउ टू ट्रेड विथ MACD, जिसमें बताया था कि सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे हो तो बाय नहीं करना है फ्रेंड, राइट। तो ये मेरे साथ यही चीज हुआ, कई लोगों को ऐसा भी लगा था फ्रेंड्स, इट्स ओके, उनमें उनकी गलती नहीं है, राइट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट। तो यहाँ पे जो बड़ा था उसमें उनको लगा कि भाई ये तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्लियर खरम ने इस पे भी वीडियो रखा था, राइट, राइजिंग वेजेस कर गए, ओके दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं, जोन नेगेटिव था तो फिर नेगेटिव ही सोचना था, ओके। तो ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो किसी ने, जो भी बड़े ट्रेडर ने बताया तो सही बात है दोस्तों, लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ में दूसरी गलती ये होती है कि मिस्टेक भी वापस रिपीट होती नहीं करनी है, राइट। कई गलतियां मैंने भी 2008 में की थी, राइट। ये जो राइस था उसमें मुझे भी ऐसा लगा था कि भाई ये पूरा मार्केट हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, राइट। बट ये चीज मैंने यहाँ पे, वो गलती मेरी जो थी वो मैंने यहाँ पे सुधार दी थी, राइट, तो बच गया था मैं, ओके। तो ये जो लेसन मैंने सीखा है तो वो सेम लेसन मैं वापस रिपीट नहीं होने दिया इस बार, राइट। ये बार बार नहीं होता, ये राइट। तो 10 साल पहले जो लेसन मिला था उसको अभी तक मैंने याद रखा, राइट, कि ये बार जो बढ़ा तो उसमें मैंने वही चीज मुझे याद आ गई कि भाई अब भी टूट चुका था, लाइफ टाइम हाई बनाया था, राइट। बट यहाँ पे तो ठीक है, बहुत अच्छा था, इस बार का एग्जाम का पेपर बहुत ईजी था दोस्तों, क्योंकि जीरो लाइन के नीचे भी चला गया था, यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे नहीं गया था, राइट, ओके। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, इवन यहाँ पे जो राइजिंग था यहाँ पे ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं था, उतना क्लियर पैटर्न नहीं था, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे था तो डर भी ज़्यादा लगता है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ है फ्रेंड्स, तो लोअर टॉप भी था ही, और इवन राइजिंग वेजिस था, ओके। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी सिग्नल मिलते हैं उसको हमें फॉलो करने हैं, और हिस्ट्री रिपीट, राइट। अभी भी दूसरी भी एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ पार्ट टू में बनाऊंगा, जिसमें मैं यस बैंक और सत्यम कंप्यूटर की कंपैरिजन करूंगा, और साथ में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लूंगा। जो चीज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में लोगों ने की, सत्यम कंप्यूटर में की, वही वापस हो रहा है यस बैंक में, राइट। कोई ना कोई ले लेगा ऐसा करके। तो दोस्तों ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्राइस 0.05 पैसे पे बंद हुआ था, तभी भी एक बंदे ने 5 लाख सेल लिए, तभी क्या बताऊं दोस्तों आगे, ठीक है। तो यही हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी सेम चीज किसी भी स्टॉक में हो सकती है दोस्तों, राइट। तो वो कभी भी मत भूलिए, पास जो लेसन है वही आपका पावर है, राइट। मिस्टेक करनी है लेकिन नई मिस्टेक करनी है, राइट, डोंट रिपीट द मिस्टेक, राइट। हिस्ट्री अपने आप रिपीट होने, रिपीट ना करे, राइट। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कंपेरिजन 2008 निफ्टी वर्सेस 2020 क्रैश पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए नई नई सीरीज लाते रहते हैं हम, ओके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस एंड डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द बॉटम, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय।